वॉइस क्लियर है मेरा सबको? यस मैम। देखो क्वेश्चन, विजिबल है क्वेश्चन? अल्फा कंपनी वाला देखो, यस मैम। अल्फा कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए प्रत्येक शेयर, मतलब 10,000 शेयर्स हैं, और कितने हैं देखो, देखो ₹10,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए वाले? ₹10 वाले हैं। देखो कल मैंने ही बताया था ना आपको इसका अमाउंट कैलकुलेट करके। क्वेश्चन यस मैम। कंप्लीट किया था आप लोगों ने सबने कि बतानी पड़ेगी इसकी जनरल एंट्रीज? मैम इसकी एंट्री एक बार बता दीजिए। हाँ देखो, आवेदन पर कितना है? 3, आवंटन पर 2, एप्लीकेशन पर है 2, अलॉटमेंट पर भी है 3 है, नहीं एप्लीकेशन पर 3 है मेरे ख्याल से। एक एप्लीकेशन में 3 है, अलॉटमेंट में 2 है। देखो तो फर्स्ट एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन पे 3 है तो 30,000 वाला। इस एंट्री में डाउट है किसी को? फिर सेकेंड एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये भी 3 वाला था एप्लीकेशन का, तो 3 को शेयर कैपिटल में डाल देंगे। देखो अलॉटमेंट में 2 है इसका, फिर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे कितना दिया है? इक्वल दिया है ना, फर्स्ट कॉल पे भी 2.50 और सेकंड कॉल में भी 2.50 दे रहा है ना, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में? आवंटन की राशि 1 मार्च 2013 को या पूर्व, देखो अलॉटमेंट यानी आवंटन की 1 मार्च 2013, फिर क्या दिया है देखो, प्रथम याचना की राशि मतलब फर्स्ट कॉल, ये कब देनी है? 30 जून 2013, और फिर अंतिम याचना मतलब सेकेंड कॉल, ये कब देना है हमको? 31 अगस्त। ये देखो मिस्टर ए जिसे 600 अंशों का आवंटन किया था, एक ए है उसको 600 शेयर्स दिए गए थे, आवंटित अंशों के शेष ने आवंटित अंशों के शेष अंकित मूल्य का पूरा भुगतान कर दिया, तो इसने पूरा एडवांस में पे किया था। आगे देखो, 31 अगस्त 2013 को ए को ब्याज का भुगतान कर दिया गया, तो और इसको जो इंटरेस्ट था वो कब पे कर रहे हैं हम? 31 अगस्त को कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब नेक्स्ट देखो, ये तो एप्लीकेशन की एंट्री हुई, अब अलॉटमेंट के टाइम पे इसने क्या किया? फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का भी अमाउंट पे कर दिया, तो देखो इसने कब किया? 1 मार्च को 2013 को। पहले अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे ड्यू वाली, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, कितने से आएगा? देखो अलॉटमेंट का कितना है? 2 रुपए है, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 2, शेयर्स कितने हैं? 10,000 × 2 20,000। अब इसको ड्यू करेंगे तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, कौन सा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो कॉल इन एडवांस भी आएगा, क्योंकि जो ए है जिसने 600 शेयर्स लिए हैं उसने अलॉटमेंट के साथ
फर्स्ट और सेकंड कॉल का भी अमाउंट उसने पे कर दिया है, और मैंने बताया था जो कॉल इन एडवांस है वो अपना क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कॉल इन एडवांस अपना कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो 10,000 शेयर्स थे, 20 दो रुपए के हिसाब से, तो अलॉटमेंट का तो 20,000 आया, प्लस इसके कितने शेयर्स थे? 600 शेयर्स थे। 600 शेयर्स पे फर्स्ट और फाइनल कॉल का 2.5 रुपए यानी कितना हुआ? 5 रुपए। तो इंटू करना 600, तो 600 इंटू 5 हो जाएगा 3,000। तो इसने ये 3,000 क्या किया? एडवांस पे किया, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 23,000। किसी को डाउट है ये वाली एंट्री तक? बताओ, किसी को डाउट है इस एंट्री तक? मैम ये एडवांस वाली थोड़ी एंट्री का बता रही, उसका अमाउंट कैसे मतलब बोल? ये देखो एक सेकंड ना, एक सेकंड, क्वेश्चन रिमूव करूं मैं? क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट लिया था? यस मैम। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिमूव कर रही हूँ। ये देखो, 600 शेयर्स थे ए के, ठीक, उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी अमाउंट पे किया। तो फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपए था और सेकंड कॉल का भी 2.5 रुपए था, तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाता है? 5 हुआ। यहां तक क्लियर है? यस मैम। अब देखो इसके पास शेयर्स कितने थे? 600 शेयर्स, तो 600 शेयर्स थे और इसने फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपए और सेकंड कॉल का 2.5 यानी 5, तो 600 शेयर्स पे इसने जब 5 रुपए पे किए तो 600 इंटू 5 करेंगे तो 3,000 रुपीज इसने क्या किया? एडवांस पे किया। देखो शेयर्स एक एप्लीकेशन के साथ डिसाइडेड है, एक अलॉटमेंट के साथ, एक फर्स्ट कॉल और एक सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन का तो ये हो गया, यहाँ तक ये दोनों हो गई अलॉटमेंट की एंट्री। आगे करें, आगे की एंट्रीज करें आप? यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम नहीं। अब देखो आगे, ये था 3,000, ठीक। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री देखो, ये इसके ये 1 मार्च को था। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री कब हो रही है? 30 जून को। मैंने लिख के बताया था कि 30 जून को ड्यू हो रहा है, जून 30 है ना फर्स्ट कॉल के लिए। अब एंट्री बनाएंगे इसकी, ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल थे कंपनी के पास 10,000 शेयर्स, शेयर्स पे कितना आना चाहिए था? 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल का, तो ये हो गया 25,000 और इधर भी हो गया 25,000। ये तो ड्यू वाली एंट्री हुई। अब जब रिसीव्ड होगी बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखो हमको कॉल इन एडवांस मिला था, तो कॉल इन एडवांस में कितना मिला था हमको? 600 शेयर्स पे ये 5 रुपए, जिसमें से 2.5 रुपए तो सेकेंड कॉल के भी थे, तो 2.5 रुपए बाकी फर्स्ट कॉल के। तो अभी सिर्फ अपन फर्स्ट कॉल के लिखेंगे 600 into 2.50 करके,
तो इसका अमाउंट हो जाएगा अपना यहाँ पे 1500, और इस यहाँ पे कितना आ जाएगा 23,500, क्योंकि 600 शेयर्स पे तो मिल चुका था, बाकी कितने शेयर्स का बचा था 9,400 शेयर्स में 2.5 रुपए, 2.5 के हिसाब से। ये देखो, ये 9,400 शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से जाएगा, तो 9,400 का 2.5 के अगर हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 23,500, ये हो जाएगा 1,500, और इसका पूरा टोटल आएगा 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो ये पूरा का पूरा हो गया 25,000। किसी को डाउट है इस एंट्री में? बताओ, कहीं पे डाउट है किसी को? नो मैम। चंचल, कृष्णा, साक्षी, प्रिया, कोई डाउट है तो पूछो बेटा जल्दी से। हाँ नहीं मैम, नहीं है। ओके सेम, अब नेक्स्ट एंट्री बनाओ इसमें कॉल इन एडवांस का। अब देखो, ये तो 30 जून का हो गया, अब अगस्त 31 की एंट्री बनाओ। क्या बनाओगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 25,000 से ड्यू होगी क्योंकि 2.5 रुपए की थी ये वाली भी। सेम, इसमें भी एडवांस मिला था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, सॉरी सेकंड कॉल या फाइनल कॉल लिखना। 9,400 शेयर्स के लिए 2.5 रुपए के हिसाब से, और 600 शेयर्स पे एडवांस मिला 2.5 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 23,500, यहाँ आ जाएगा 1,500, और यहाँ पे आ जाएगा 25,000। ये हो गया। अब देखो, अगस्त 31 को इंटरेस्ट पे करना है, तो देखो अलॉटमेंट के साथ अमाउंट पे किया था, तो फर्स्ट कॉल में और अलॉटमेंट का डेट देखो, अलॉटमेंट पे कर रहा था 1 मार्च, और फर्स्ट कॉल की डेट देखो यहाँ पे मैंने लिखी है 30 जून, मैं सर्कल बना रही हूँ उसको देखो, तो मार्च पूरा, क्योंकि 1 मार्च से स्टार्ट हुए तो मार्च पूरा, तो 1 महीना, फिर अप्रैल पूरा का पूरा, फिर पूरा का पूरा मई, और जून भी देखो पूरा ही निकल गया क्योंकि 30 जून की बात हो रही है, तो कितने महीने हुए? 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है उसमें 4 मंथ का इंटरेस्ट देंगे, और जो सेकेंड कॉल की अमाउंट है उसमें कब दे रहे हैं? अगस्त में, तो जून तक तो 4 महीने प्लस जुलाई और अगस्त, ये हो जाएंगे इसमें 6 मंथ। किसी को डाउट है मंथ कैलकुलेशन में? मंथ कैलकुलेशन में डाउट है तो जल्दी से पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। बताओ। नो मैम, नोट। अच्छा, क्लास में सिर्फ कोई एक ही पढ़ रहा है क्या? बाकी सब रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? यस मैम। नहीं आ रहा है समझ में तो तुरंत पूछना है ना, ऐसे चुपचाप नहीं बैठो बेटा। यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, इसमें एंट्री बनाओ 31 अगस्त को कॉल इन एडवांस का, कल मैंने कैलकुलेशन बताया था, एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट,
ये इसके बाद एंट्री करेंगे आप। नेक्स्ट इसमें अमाउंट देंगे कितना, 150 रुपये। कल मैंने बताया था, कोई ऐसा है क्या जो कल क्लास नहीं अटेंड किया तो हमें को एंट्री बतानी पड़ेगी? बताओ, किसी को वर्किंग नोट बतानी है क्या, ये अमाउंट कैसे आया 150? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, तो ये पूरा 150 150। मैं फिर भी नोट कर रही हूँ, वर्किंग नोट। अगर आप लोगों ने कल नोट नहीं किया है उसका, तो आप अमाउंट देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉल मनी का अगर देखें तो उसमें 4 महीने हो रहे थे, तो 1500 का 4 महीने का 12% के हिसाब से ये हो जाएगा 60 रुपये। और दूसरा जो अमाउंट था वो 1500 का 6 महीने के हिसाब से 12% का हो जाएगा 90 रुपये। तो ये वाला था 1 मार्च से 30 जून तक का था, और ये 1 मार्च से 31 अगस्त तक का था। ये 60 और 90 टोटल होता है 150। बन गया सबका? देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन किया है, जो लेट से ज्वाइन किया है तो वो समझ लो। ये देखो, ये फर्स्ट एंट्री, ये जो कॉलम बना रही हूँ ना, ये वाला, ये फर्स्ट एंट्रीज यहाँ से शुरू हुई थी, ये फिर ये वाला सेकंड है यहाँ से, और फिर ये लास्ट में ये वाला, ये फर्स्ट पोर्शन था, ये सेकंड पोर्शन, और ये थर्ड पोर्शन। क्लियर करूँ स्क्रीन को? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अपन। यस मैम। सब बोलो, रिया, साक्षी, उषा, ऋतु, नेक्स्ट करना है? Yes, नोट करना है अभी किसी को? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें मैं क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ। प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, अब डायरेक्ट लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहे हैं अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेरे को सिखानी थी, एक कॉल इन एडवांस, एक कॉल इन एरियर्स, वो हो गया है। अब देखो डायरेक्ट बैक उसमें आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। फिर क्या दिया है देखो, एप्लीकेशन पे कितना दे रहा है 30, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20, और सेकंड कॉल पे मतलब फाइनल कॉल पे 20। तो टोटल करो 60 और 20 80, और ये हो गया 100 100, है ना। नेक्स्ट देखो, 20,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, टोटल कितने हैं अपने पास 15,000। एप्लीकेशन कितने के लिए आ रहा है अपने पास 20,000 के पास, तो है ना, तो जितना अपने पास है और उससे जब ज्यादा आता है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब अति अभिदान, हिंदी में इसको लिखो अति अभिदान। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करते हैं, देखो फिर क्या लिखा है, कंपनी के संचालकों ने 5,000 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया और इन अंशों आवेदक
को राशि वापस कर दी, मतलब ये जो 5000 शेयर्स पे जो अमाउंट आया था किसका, एप्लीकेशन का, है ना, ये पूरा का पूरा क्या कर दिया, कम रिफंड कर दिया, पैसे क्या कर दिए वापस। देखो रिफंड ऑफ एक्सेस अमाउंट, आगे देखो क्या दिया है, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए, जनरल एंट्रीज बनानी है और कुछ नहीं, बस इसकी मेन एंट्री आप लोगों के लिए एक होगी, कौन सी होगी, फर्स्ट वाली। तो जो फर्स्ट एंट्री करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, तो कितने से करेंगे, 20 से करेंगे कि 15 से करेंगे, 20 से बोलो। देखो अगर आप लोगों को लगता है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है आपका, तो आप ना मेरे को चैट पे भी अपना डाउट टाइप करके सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो इसमें, तो हम एप्लीकेशन कितने की आई थी, हमको आवेदन आया था 20,000 अंशों का, तो जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अपन कर रहे हैं वो भी कितने के लिए, 20,000 अंशों के लिए। तो चलो उसकी एंट्री करो पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे 20,000 इनटू 30 करो, कितना होगा 20,000 इनटू 30, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, चलो करो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड करो शेयर, ये थर्ड।